हेलो दोस्तों, माय सेल्फ कृष्णा खान। आज मैं आपको कराऊंगी बीए फोर्थ सेम का बिफोर ब्रेकफास्ट। ये आपकी आज की समरी रहेगी, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। इस समरी को समझाने से पहले मैं आपको कुछ जो अपनी जनरल बातें हैं जो कि हमारे समाज में घटती रहती हैं और एक रोजमर्रा में नोकझोंक यहाँ चलती रहती है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे परिवार में पति पत्नी होते हैं तो उनके बीच में झगड़े भी होते हैं, इसी तरीके से जो उनके अंदर तीखी या मीठी जो भी नोकझोंक चलती है वो चलती रहती है, और उनमें कुछ न कुछ तानाकसी या फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, इस तरह की बातें जो है कॉमन है, जो कि हम आम अपनी लाइफ में देखते हैं। तो यही इस लेसन के अंदर है। जो भी हमारी जो करेक्टर है, यानी कि लेडी करेक्टर है, वो हमेशा ब्लेम करती रहती है अपने पति को कि आप में ये कमियां हैं, आप काम चोर हैं, आप कुछ काम नहीं करते। हालांकि वो एक बहुत ही अच्छे राइटर होते हैं, इसके बावजूद उनकी बुक्स वगैरह जो है बिकती नहीं है, जिस वजह से वो हमेशा ही डिप्रेशन में रहते हैं और इस वजह से वो स्टार्ट कर देते हैं ड्रिंकिंग करना। तो इस तरह से ये स्टोरी है हमारी। इसके ऊपर थोड़ी सी नोकझोंक है, लेकिन इस नोकझोंक की वजह से और अपने काम के ठप हो जाने की वजह से जो हमारे यहाँ पे राइटर है वो क्या हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो इसी स्टोरी के ऊपर हम यहाँ पे बिफोर ब्रेकफास्ट से पहले जो भी यहाँ पे घटनाएं घटती है वो ब्रेकफास्ट को ही ब्लेम करती है कि उसके ऊपर ही थोड़ा झगड़ा हुआ था जिससे जो है डिप्रेस होके राइटर ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो यहाँ पे चलिए स्टोरी हम आज करते हैं। बिफोर ब्रेकफास्ट इसका नाम है, हमारी जो समरी है। इट इज अ सोलो कन्वर्सेशन, और ये सोलो कन्वर्सेशन होती है। सोलो का मतलब क्या है यहाँ पे, आपको भी पता है, ये हमारे जो समाज में है ये कि पत्नी बोलती रहती है, पति सुनता रहता है, इस तरह की जो बातें सोलो ही चलती रहती है, यानी एक तरफा बातें हैं ये सिर्फ, जो कि पत्नी ही बोलती रहती है, आदमी जो है चुप रहता है। इट्स अ सोलो कन्वर्सेशन, आप समझ गए होंगे, स्पोकन बाय वन पर्सन, ठीक है, ऑफ मिसिज रोलैंड। तो यहाँ पे मिसिज रोलैंड के द्वारा एक सोलो कन्वर्सेशन, एक तरफा बातचीत है जो कि वही बोलती रहती है। शी एड्रेसेस हर हस्बैंड ऑल द टाइम, यानी वो एड्रेस करती रहती है अपने पति को हर समय, यानी कि उसको संबोधित करके कुछ ना कुछ वो बात बोलती ही रहती है। दैट ही इज अ गुड फॉर नथिंग, यानी उसके बस का कुछ नहीं है, उसके पति के बस का कुछ नहीं है, और वो कुछ ना करने वाला फेलो है, और वर्क शीकर भी आप लिख सकते हो, यानी कि कोई भी काम ना करने वाला, कामचोर लिखते हैं, सो वर्क शीकर को। बट ही नेवर रिप्लाइज, लेकिन वो जो उसका पति होता है वो हमेशा उसको इग्नोर करता है, उसकी बातें नहीं सुनता है, उसको कोई रिप्लाई ही नहीं देता है। बट ही नेवर रिप्लाइज, उत्तर नहीं देता, हर बैक वापिस मुड़ के उसको जवाब नहीं देता। ही ऑलवेज लाइज डाउन, और वो हमेशा क्या करता है, लेटा रहता है। And does not do any work, और कोई भी काम नहीं करता है, ये स्टोरी है। इसी के ऊपर आगे है, he spends his day on drinking, पूरा दिन अपना बिताता है वो पीने पर, यानी कि वो क्या है, एक अच्छा drunkard बन जाता है। He never appears on the stage, और वो स्टेज पर भी नजर नहीं आता। स्टेज मीन्स क्या है, ये एक जो ड्रामा हो रहा है, ये एक रंगमंच पर, यानी स्टेज पर हो रहा है, ये रियल लाइफ का एक थोड़ा सा मतलब फैक्ट या बोली आप स्टोरी दिखाई गई है, एक रंगमंच पर है ये कहानी, यानी रंगमंच पर स्टेज पर हमेशा जो है वाइफ नजर आती है, पति कम नजर आता है। ही स्पीक्स ओनली टू टाइम्स, वह इसमें पूरी पूरी कहानी में स्टोरी में सिर्फ दो ही बार बोलता है। ओके, व्हेन ही वाज टेकिंग अ हॉट वाटर बाउल टू हर हैंड्स, यानी जब वो ले जा रहा होता है गर्म पानी का एक कटोरा या कटोरी अपने हाथ में, एंड सेज हर हैंड्स एंड फिंगर्स लुक लाइक अ स्लेंडर एंड आर्टिस्ट, यानी अपनी जो उंगलियों को वो क्या कहता है कि मेरी जो उंगलियां हैं एक स्लेंडर की तरह है, एक राइटर की तरह है या आर्टिस्ट की तरह है, जिसमें क्या हुआ, एक गर्म पानी का कटोरा या कटोरी लेकर जाता है। सो फ्रेंड्स, वी कैन कंपेयर दिस पोम विद लास्ट डचेस, यानी लास्ट डचेस में भी ऐसा ही था, वहां पर पति बोलता रहता था, पत्नी नहीं बोलती थी, वो मुस्कुराती ही जवाब देती थी, फिर पिछले सेमेस्टर की बात है। यहाँ पे जो है पत्नी बोलती रहती है और जो राइटर होता है यहाँ, ये वो चुप रहता है। देयर डचेस इज ऑलरेडी डेड, जहां पर पिछली स्टोरी में लास्ट डचेस में जो डचेस होती है वो हमेशा क्या दिखाई गई है, मरी हुई दिखाई गई है। बट हिज हस्बैंड कीप्स कमेंटिंग ऑन हर, लेकिन जो उसके पति होते हैं वो उस पर हमेशा कमेंटिंग जो है जारी रखते हैं। This play reveals the character of Alfred through the sharp tongue of his wife. ये जो प्ले है रिवील करता है, यानी खुलासा करता है उस करेक्टर का, जिसका नाम क्या है, अल्फर्ड है, और किसके द्वारा करता है, द शार्प टंग ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी की जो है तेज जुबान की वजह से।
वी कम टू नो, हमें पता लगता है दैट ही इज एन आर्टिस्ट। इस बात से हमें पता लगता है कि वो हमेशा लिखता रहता है या सोचता रहता है, तो वो एक आर्टिस्ट है और पोइट है, यानी दोनों चीजों में से एक है। ही कीप्स राइटिंग पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, वो लिखता रहता है जारी, यानी जारी रखता है वो अपनी पोएम को लिखना और शॉर्ट स्टोरीज को लिखना जारी रखता है। ही विजिट्स लाइब्रेरी फॉर इंस्पिरेशन, और वो यात्रा करता है यानी वो घूम कर आता है हमेशा लाइब्रेरी में, कुछ इंस्पिरेशन उसको मिल जाए वहां पर। इसलिए ही इज अ सेंसिटिव मैन ट्रबल्ड बाय रियल लाइफ डिफिकल्टीज, और वो एक जो है सेंसिटिव मैन होता है जो ट्रबल्ड यानी मुसीबतों से घिरा हुआ होता है, जो कहाँ से आई है, उसके रियल लाइफ की डिफिकल्टीज से आई है, यानी कि वो लिखता है लेकिन सामान उसका जो उसका लेखन कार्य है वो बिकता नहीं है, जिस वजह से वो गरीब होता है। ही कुड नॉट सेल हिज एनी राइटिंग्स, वो नहीं बेच पाता है अपनी कोई भी राइटिंग लेकिन लेखन कार्य को। ही स्पेंड्स मनी ऑन वाइन टू फॉरगेट हिज मनी, मान लीजिए थोड़ा बहुत उसका अगर काम चलता है, थोड़ी बहुत राइटिंग उसकी बिकती है, तो वहां पे वो क्या करता है, उसके साथ उससे शराब खरीद लेता है और उसको ही पीने के लिए यानी अपने दुखों को भुलाने के लिए उसको पीता रहता है। थ्रू आउट द प्ले, यानी इस दौरान, इस नाटक के दौरान ओनली वाइफ स्पीक्स, जो पत्नी है वही बोलती है, एंड हर जो उसके हस्बैंड्स होते हैं रिमेन इन बेडरूम, जो उसका पति होता है वो क्या होता है, रिमेन यानी चुपचाप रहता है अपने बेडरूम में। शी कीप्स कोल्डिंग हिम फॉर हैविंग अ गर्लफ्रेंड, यहां तक भी वो उसको डांटती रहती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। शी सेज हाउ कैन अ गर्ल लव हिम फॉर डूइंग नथिंग, यानी किस तरह से एक लड़की उससे प्यार कर सकती है जबकि वह तो कुछ करता ही नहीं है। वन डे शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर बोथ, एक दिन वो क्या करती है, बनाती है, तैयार करती है, ब्रेकफास्ट तैयार करती है दोनों के लिए। शी कॉल्स हिम फॉर हैविंग इट, और वो उसको बुलाती है कि आ जाओ खाना बन गया है आप खा लीजिए, ठीक है। ही डज नॉट कम आउट, और वो बाहर नहीं आता है। एंड सडनली शी स्टार्टेड नरेटिंग हिम अबाउट हिज बिजी शेड्यूल, और वो उसको सुनाना शुरू कर देती है, नरेट होता है सुनाना, जैसे कक्षा में प्रश्न के उत्तर भी सुनाए जाते हैं उसको भी नरेट बोलते हैं, तो वो उसको सुनाना शुरू कर देती है। क्यों सुनाती है उसको, क्योंकि उसका शेड्यूल इतना बिजी है कि उसको खाना खाने का तक का टाइम नहीं होता है। शी इज नॉट लाइक हर, और वो उसकी तरह नहीं है, यानी काम तो वो भी करती है लेकिन वो फिर भी खाना वगैरह खाती है, घर का ख्याल रखती है, उसका भी ख्याल रखती है। शी हैज टू रन दिस हाउस, यानी वो क्या कहती है कि उसे भी तो इस घर से जाना पड़ता है, उसे भागना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बट ऑल ओवर साइलेंस रिमेन्स, लेकिन सारे जगह जो है साइलेंस यानी सन्नाटा छाया रहता है। सडनली शी हियर्स अ साउंड ऑफ फॉलिंग समथिंग ऑन द फ्लोर, अचानक से वह क्या सुनती है कि कुछ एक चीज गिरी है, जो कि फर्श पर उसके गिरने की आवाज आती है। अचानक वह सुनती है एक साउंड जो कि गिरने की साउंड होती है, और किसी चीज की होती है फ्लोर पर गिरने की साउंड। शी रन्स टुवर्ड्स द बेडरूम, और वो बेडरूम की तरह है, बेडरूम की तरफ जो है वो दौड़ती है। एंड सीज हर हस्बैंड हैज कमिटेड सुसाइड, और वो क्या देखती है कि जो उसके पति ने है सुसाइड जो है कमिट कर लिया, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली। द टाइटल ऑफ द प्ले सूट्स इट, और बिफोर ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट से पहले की घटना है, तो इस वजह से इसका नाम बिफोर ब्रेकफास्ट रखा गया है, जो कि इसको सूट करता है, यह इसमें बताया गया है। टाइटल ऑफ द प्ले सूट्स इट, ही लिव्स द वर्ल्ड बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी वो संसार को क्या करता है, खाना खाने से पहले छोड़ के चला जाता है। यानी वो इतना ज्यादा डिप्रेस था अपने काम से और ऊपर से उसकी पत्नी के तानों से, जिसकी वजह से वो संसार को छोड़कर चला जाता है। और इसी टाइटल के ऊपर ये आपकी स्टोरी बनी है। एक आम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, इनको आप आराम से लिख सकते हो, और एक क्रिटिकल स्टोरी भी है, थोड़ी सी ये सेंसिटिव स्टोरी है, जिसको आप हृदय विदारक भी बोल सकते हो, जो आप आराम से लिख सकते हो, इसको किसी के भी दुख को फील कर सकते हो। स्कोल्डिंग सबके घर में होती है, पति पत्नी के अलावा हर किसी के घर में होती है, सभी में हो जाती है। तो इस तरह की बातें, ये सेंटेंसेस जो है थोड़ी कोई टफ नहीं है, आप इनको आराम से लिख पाओगे।